आज का हमारा टॉपिक है टोकेंस। इस वीडियो में हम टोकेंस के बारे में जानेंगे कि सी लैंग्वेज में टोकेंस क्या होता है, टोकेंस का यूज़ क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम टोकेंस के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। उसके बाद हम टोकेंस के क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोकेंस क्या होता है। तो टोकेंस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो हम लिखेंगे टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। अगर हम एक छोटा सा छोटा प्रोग्राम भी बनाते हैं तो उसमें टोकेंस होता है और ये एक स्मॉल रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्राम में। जैसे अगर हमें किसी नंबर को ऐड करना हो, किसी मैसेज को शो कराना हो, तो यहाँ भी टोकेंस का हम यूज़ करते हैं। तो हम टोकेंस को डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। हमारे प्रोग्राम में हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कराते हैं, तो उन टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट का यूज़ करते हैं जो कि टोकेंस होता है। तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जिस तरह हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसी तरह हम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए टोकेंस का यूज़ करते हैं। यानी हम बिना वर्ड के सेंटेंस नहीं बना सकते, इसी तरह हम बिना टोकेंस के किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते। तो टोकेंस की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, चलिए अब हम आपको क्लासिफिकेशन बताते हैं कि टोकेंस को कितने भाग में बांटा गया है। और इस क्लासिफिकेशन से आपको हम समझा पाएंगे कि टोकेंस का यूज़ प्रोग्राम में क्या है और हम कैसे बिना टोकेंस के प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो पहला क्लासिफिकेशन है टोकेंस का कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बारे में हम जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स में कीवर्ड्स वो है जिसका पहले ही मीनिंग डिफाइन किया जा चुका है कंपाइलर में। ये एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। ये 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स पहचानने का एक तरीका है, अगर आप किसी भी आईडी में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी कीवर्ड्स होंगे उनके कलर चेंज हो जाते हैं। टर्बो सी में अगर आप करते हैं तो कीवर्ड्स जो होता है उसका कलर वाइट हो जाता है। वाइट कलर ही कीवर्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इफ, स्विच, जो भी हम यूज़ करते हैं, फॉर, व्हाइल, डू, ये जितने भी हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये कीवर्ड्स होते हैं और इसका मीनिंग पहले ही कंपाइलर में डिफाइन किया जा चुका है। हम कीवर्ड का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते, यानी जिस कीवर्ड का जो काम है वो उसी काम को करेगा क्योंकि इसका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया जा चुका है। इसीलिए हम इसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड टोकेंस आता है हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो होता है वो नेम होता है जो कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को आइडेंटिटी करने के लिए होता है, पहचानने के लिए होता है। एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में हम लिखते हैं इंट ए, तो ए यहाँ पे आइडेंटिफायर होगा। और अगर इसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन भी लिखेंगे, मेन फंक्शन भी एक आइडेंटिफायर होगा। यानी आइडेंटिफायर में वेरिएबल, फंक्शन, यूज़र डिफाइंड, डेटा टाइप, ये सारे चीज़ आइडेंटिफायर में आते हैं। अब हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग वन डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ एरे होता है। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया है। ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है और स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखा होता है। जो भी मैसेज डबल कोट्स में होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और इसका लेंथ 6 है। यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ आपको 5 दिखेगा लेकिन स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल होता है जहाँ ये टर्मिनेट होता है। तो इसका लेंथ अगर आप फाइंड करते हैं तो ये 6 बताएगा क्योंकि ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। उसके बाद आता है हमारा टोकेंस का फोर्थ क्लासिफिकेशन में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में हमने आपको अभी रिसेंटली बताया कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है प्रोग्राम में, ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जिसका यूज़ हम करते हैं
मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए अपने प्रोग्राम में। सपोज़ अगर हमें दो नंबर को ऐड करना हो तो हम ए प्लस बी लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है। अगर हम कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म कराते हैं तो डेफिनेटली हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इन क्लासिफिकेशंस को मिला दें, जैसे ए प्लस बी में, तो ए हमारा हो गया आइडेंटिफायर, प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर, और इससे अगर हम प्रिंट कराते हैं तो जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हमारा हो जाएगा, ये भी आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम, फंक्शन या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा ये सब आ जाते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाएगा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट भी एक टोकन्स का क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी कॉन्स्टेंट, अगर हमें किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट करना हो तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं डेटा टाइप के पहले, तो जो भी वेरिएबल में वैल्यू होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं प्रोग्राम में। कॉन्स्टेंट रेफर्स करता है फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम ए इक्वल्स टू फाइव लिख देते हैं, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू फाइव, तो ये फाइव कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल चेंज हो सकता है, ए की जगह हम बी को लिख सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, लेकिन फाइव जो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ क्लासिफिकेशन टोकन्स का। लास्ट में आता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में जैसे सेमी कॉलन, डॉलर का सिंबल, हैज जो हम प्रोसेसर प्री प्रोसेसर कमांड में लिखते हैं, ये सब स्पेशल सिंबल में आते हैं। अंडर स्कोर, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, ये हमारे स्पेशल सिंबल है। इनके बिना यूज़ के भी हम प्रोग्राम नहीं बना सकते, इनके बिना सपोर्ट के। तो टोकन्स ये पूरा पैकेज हो जाता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। अगर हम दो नंबर को ऐड भी करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। तो हमने डिफिनेशन में ही आपको पहले बताया था कि ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होते हैं प्रोग्राम के, इसके बिना हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इंट ए इक्वल्स टू फाइव, तो यहाँ पे इंट क्या है, इंट एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया गया है कि ये इंटीजर वैल्यू के लिए होगा। उसके बाद ए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल्स हमारा ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। और फाइव हमारा वैल्यू है, उसके बाद हम सेमी कॉलन देंगे तो ये हमारा स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए भी हमने क्या टोकन्स के चार क्लासिफिकेशंस को यूज़ कर लिया, इंट ए इक्वल उसके बाद सेमी कॉलन, ये सब टोकन्स के पार्ट है। और इन्हीं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज़ करके हम अपने बड़े से बड़े प्रोग्राम को बनाते हैं, इसीलिए टोकन्स को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब